हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग फिर एक कार्ड बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रैप जो हमने प्रीवियस कार्ड्स बनाए थे उसके बैचेस में से हम कुछ कॉर्नर्स ऐसे बच गए थे, कुछ स्ट्रिप्स इस टाइप की बच गई थी ब्लैक पेपर से, कुछ वाइट पेपर बच गया था। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके हम एक और कार्ड बनाएंगे आज, ठीक है। सिंपल बट ज्योमेट्रिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप इसलिए चूज़ किया है कि जल्दी बन जाए और अच्छा लगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट हम पहले चूज़ करेंगे कि हमें किस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और मैक्सिमम काम हम जो है इस लाइन के इधर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइन शायद आपको विजिबल ना हो लेकिन हम आपको दिखाए देते हैं। ये देखिए, ये लाइन है हमारी, ये जा रही है, ये हमारी लाइन है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम फिर जो है इसको और चीज़ों को यूज़ करेंगे। और कलर हम ब्लैक एंड रेड थीम रखेंगे, बहुत इन रहती है और कभी भी ये आउट ऑफ फैशन नहीं होती है, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे कि कार्ड पे स्ट्रिप्स हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि अप्रोक्सीमेटली एक ही टाइप की स्ट्रिप्स एक ही लेंथ की एक ही विड्थ की बने, ठीक है। तो हम बिगन करते हैं नीचे से, हाफ सेंटीमीटर से हम बिगन करते हैं, हाफ सेंटीमीटर लेंथ की हम, और अप्रोक्सीमेटली इसी गैप पे, ठीक, हम ये सारी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा मेजरमेंट में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है कहीं, क्योंकि बहुत कम रेंज पे हम लोग काम करेंगे। हाफ सेंटीमीटर इज नॉट, जज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है स्केल पे कभी कभी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना वैसे भी इजी नहीं होता है, फ्री हैंड भी कर सकते थे लेकिन फ्री हैंड में फिर वही प्रॉब्लम आती है कि कहीं कहीं पे माइनर सा डिफरेंस आ जाएगा, तो वो चीज़ बहुत ऑड दिखाई देती है। तो इसको बहुत पेशेंसली करेंगे हम लोग। स्पीड को हम नॉर्मल रखे हैं वीडियो की, मालूम है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बट प्रोसेस आपको पूरी समझ में आनी चाहिए, सो दैट हम इसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, नॉर्मल स्पीड पे ही वीडियो शूट करेंगे। लाइंस ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखें कि मैक्सिमम हम ध्यान रखेंगे कि हमारी लाइन जो है वो मेंटेन रहे, हालांकि बड़ा मुश्किल काम होता है इतनी बारीक जगह पे पेंसिल लाइंस को ड्रॉ करना। इंक पेन से तो लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं इजीली, और पेंसिल की चूंकि जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं उसका पॉइंट कम होता जाता है, ब्लंड होती रहती है, और फिर लाइन की
जो थिकनेस है वो इंक्रीज करती जाती है। अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया काम। लाइन का काम अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो गया है। आई हैव टू पुट सम हैवी थिंग ऑन द कार्ड ताकि वो स्लिप ना हो। एजेस पे बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है कार्ड जब एजेस पे काम करते हैं, तो ये हमेशा ख़तरा बना रहता है कि वो लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे और कार्ड स्लिप कर जाएगा। ओके, तो जी हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, अब हम अल्टरनेट लाइंस को फिल करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमने लाइन मेजरमेंट के लिए डाली थी उस लाइन को एक बार रीचेक कर लेते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा उस लाइन को डिस्टर्ब तो नहीं किया हम लोगों ने। तो ये हम स्कोर कर लेंगे एंड, इसके अल्टरनेट एंड को हमको क्लोज करना है। कोशिश करेंगे कि जितना शार्प हो सके एंड उतना शार्प रखेंगे, राउंड ना होने पाए। फिर भी अगर एक आध हो जाते हैं तो कोशिश करके उसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर ली है एक साइड से इसको बंद। अब दूसरा टास्क आता है इसकी फिलिंग का। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से फिलिंग करेंगे। आप इसको वाटर कलर के साथ भी कर सकते हैं, आप इसको क्रेयॉन्स के साथ भी कर सकते हैं, ऑयल पेस्टल के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन ऑयल पेस्टल और क्रेयॉन्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, ख़ास करके जब ऐसा एजेस वाला काम होता है तो बार बार आपको क्रेयॉन को या ऑयल पेस्टल को शार्प करना पड़ेगा ताकि मेंटेन रह पाए आपकी एज उसकी, और तब बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है। सो दैट हम पेंसिल कलर का ही यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रेयॉन्स और ऑयल पेस्टल। हाँ, वाटर कलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आप यूज टू भी नहीं हैं तो फिर गो विथ पेंसिल कलर्स। पेंसिल कलर या क्रेयॉन या ऑयल पेस्टल, तीनों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वर्क करते हैं तो वर्क स्पेस पे हाथ रखने से पहले हम उसको कवर अप कर लेंगे किसी चीज़ से, अदरवाइज़ वहाँ से उसके पिगमेंट्स उठ के आपके हाथ में लग जाएंगे और फिर पैचेस दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, समटाइम्स जब हमको ये कलर एकदम स्मूथ चाहिए होता है तो वी यूज चारकोल और काजल ऑल्सो, बट सेम प्रॉब्लम अगर फिर सीलेंट हमको लगाना पड़ेगा उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको परमानेंट रखने के लिए हमको फिक्सर का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वार्निश होती है जिसको हम कोटिंग कर देते हैं,
तो फिर जो कलर्स हमारे हैं वो अपनी जगह पे मेंटेन रह जाते हैं। तो ये अब हमारा बेसिकली हमने साइड अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम साइड के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि ये ऊपर तो ब्लैक आ रहा है लेकिन नीचे वाइट आ रहा है, ठीक है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम हल्का सा एक टोन दे देंगे ब्लैक नीचे, ताकि कार्ड बैलेंस में आ जाए। नाउ इट्स ओके ओके। अब हम इसमें रेड कलर के हमारे पास कुछ पीसेस कटे हुए ट्रायंगुलर रखे हुए थे, कॉर्नर हमने काटे थे तो उसमें से ये बच गए थे, तो हम इसको ही यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा बनेगा कार्ड। हम इसको ग्लू यूज़ करेंगे, बहुत अ लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लू, और इसको पेस्ट कर देंगे। और एक साइज़ को हम थोड़ा सा ट्रिम करके छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा साइज़ था, इसको हम थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। और ओके ना ओके ठीक, इसके कंपैरिजन में और छोटा होना चाहिए, तो हम इसको और छोटा कर देंगे। ओके इसको भी पेस्ट कर लेंगे हम। ग्लू बस उतना यूज़ करना है कि जितना हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा ग्लू यूज़ करके भी हमको कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कुछ परेशानियाँ ही बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब हम ब्लैक स्ट्रिप्स हमारे पास पड़ी हैं, हम इसमें से ब्लैक ट्रायंगल्स काट लेंगे और उसको रिवर्स करके थोड़ा सा पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने एक काट लिया है, ठीक। कंपोजिशन के हिसाब से आप अपने इनको छोटा या बड़ा रख सकते हैं। हमारे दिमाग में जो कंपोजिशन अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट साइज। और एक छोटा ट्रायंगल चाहिए होगा हमको, ओके ओके और थोड़ा छोटा, नाउ इट्स ओके। ये साइज़ हमारे लिए ओके है, और इसकी भी पेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ ग्लू कर लेंगे। अभी हम बेस से इसको बेसिक इसी टाइप से रखते हैं, ओके। सो ओके आई हैव डन विद माय कार्ड। और अब हमें जो भी मैसेज इस पे लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे हैप्पी बर्थडे, ओके okay।
हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। दैट्स इट। ओके मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव फन, मेक कार्ड्स। बाय बाय।